साथियों आज मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि आपको मालूम है यहां से पार्लियामेंट नजदीक है, पार्लियामेंट के पास संसद मार्ग पे 9 अगस्त को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की प्रतिमा जलाई गई थी। आज मैं रामबिलन भाई, जगदीश चंद्रा, विनोद कुमार जी, विश्वनाथ जी, हमारे डॉक्टर देशराज जी, गीता रानी जी, इनके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज हम अम्बेडकर भवन से जो चल करके जंतर मंतर पे आए हैं, हम गिड़गिड़ाने के लिए नहीं आए हैं, बताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि साहब तम चौधरी जंग ऐलान करने के लिए आए हैं। जंग ऐलान करने के लिए हम आए हैं और संविधान से छेड़छाड़ करने वालों को जंतर मंतर से बताना चाहते हैं, अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया तो जितनी दिल्ली की संस्थाएं हैं साहब तम चौधरी के नेतृत्व में छोड़े ही नहीं साथियों। और मैं बताना चाहता हूं आपको, आज बताना चाहता हूं जंतर मंतर से, संविधान मिटा दे अपना, संविधान मिटा दे अपना, जमाने में दम नहीं, संविधान मिटा दे अपना, जमाने में दम नहीं, जमाना तो हमसे है, जमाने से हम नहीं। मेरे साथियों, हम जितने लोग आए हैं इन सभी साथियों के अंदर बाबा साहब की रूह है, बाबा साहब का खून है। आज हम बताने के लिए आए हैं कि संविधान से छेड़छाड़ करने वाले सावधान हो जाओ, आज जलाने जंग हो चुका है, अगर दोबारा किसी ने संविधान जलाने की कोशिश की, संविधान को छेड़ने की कोशिश की, तो हमारे जितने दिल्ली की संस्थाएं हैं इस जंतर मंतर में इकट्ठा होकर के ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं साथियों बताना चाहता हूं, हमारा 2 प्रोग्राम है, जब पुलवामा हमला हुआ था तो हमारे साथियों ने कहा कि हम जंतर मंतर पे चल के अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दें, लेकिन मेरे दोस्तों बताना चाहता हूं, नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें आजादी दो, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्या कहा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। लेकिन आज हमारे देश के नेता क्या कह रहे हैं, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें श्रद्धांजलि देंगे। मेरे साथियों, बड़े दुख की बात है, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जंतर मंतर से दिल्ली में नेता एयर कंडीशन में बैठ करके बोल देता है जवानों के लिए, कि ये नेता जो बोलता है दिल्ली में कहता है हम आपके परिवार के साथ हैं, हमारे जवान देश की सेना पर शहीद होता है, नेता दिल्ली में बैठ के बोलता है कि हम आपके परिवार के साथ हैं। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं जंतर मंतर से, अरे नेताओं कान खोल के सुन लो, जिस माँ का बेटा मरा है उस माँ से जाके पूछो, उस माँ को कितनी पीड़ा हो रही होगी, जिसका पति मरा है उस पत्नी से जाके पूछो कितनी पीड़ा हुई, जिसका भाई मरा है, मैंने टीवी पे देखा 2-2 साल के बच्चों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन नेता दिल्ली से कहता हम तो आपके साथ है। मैं बताना चाहता हूँ साहब तम चौधरी जंग ऐलान करने के लिए आया है, इस देश का किसान, इस देश का जो बॉर्डर पे नौजवान और इस देश का संविधान से छेड़छाड़ नहीं चलने देंगे। आज थोड़ी सी जनसंख्या में हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, रामबिलन भाई ने कहा चल के हम बता देते हैं देशद्रोहियों को, संविधान छेड़ने वालों को कि सावधान हो जाओ, अगर सावधान नहीं हुए तो आने वाले समय में हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, ज्यादा से ज्यादा नौजवान बैठे हैं, मैं जानता हूं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, लोकतंत्र की पहरेदारी, संविधान की पहरेदारी, नौजवान की जिम्मेदारी, यहां से संकल्प लेके चलना होगा। मैं हमारे साथियों ने, जगदीश चंद्रा जी ने, विनोद कुमार जी ने कहा कि चलिए, मैंने कहा देखिए चले गए, संकल्प लेके उतरेंगे और आंदोलन तब तक करेंगे जब तक हम उन संविधान विरोधी लोगों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे देंगे, जब तक वो सरेंडर हमारे सामने नहीं करेंगे। इसलिए मैं दोस्तों साथियों आप लोगों के सामने सारी बातें हो गई है, अब आपको संकल्प लेने की जरूरत है। मैं जान रहा हूं कि आप लोग 10 बजे से अम्बेडकर भवन से बाबा साहब के प्रतिमा के सामने आप लोगों ने संकल्प लिया है, जिनका बनाया हुआ संविधान है
बाबा साहब के संकल्प लेकर के सामने लेकर के आए हैं, और संकल्प लेकर के आए हैं तो ये मन में ठान लो मेरे साथियों कि बाबा साहब के संविधान को हम खतरे में नहीं जाने देंगे। अगर संविधान खतरे में है मेरे दोस्तों मित्रों, तो देश खतरे में है। मैं बताना चाहता हूँ, मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। किसी नेता ने कहा कि बजरंग बली दलित है, लखनऊ में हमारे दलित समाज के लोगों ने उस मंदिर से जाके कब्जा कर लिया। डॉक्टर साहब उस मंदिर पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट से कब्जा करो, नहीं कर। बारे मेरे देश के जवान लोगों, बारे मेरे देश के मानने वाले लोगों, बाबा साहब की बात नहीं मानी। किसी नेता मनुवादी नेता ने कह दिया कि बजरंग बली दलित है, फटाफट लखनऊ की धरती पर जाकर उस मंदिर को कब्जा कर। मैं बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, सबसे बड़ा मंदिर यह आपके सामने है। हमारा निशाना रामलाल भाई का निशाना, डॉक्टर देशराज जी का निशाना, गीता रानी का निशाना, जगदीश चंद्र जी का, विनोद जी का, जितने हमारे बैठे हैं, कमल किशोर जी का, सबका निशाना है पार्लियामेंट। यहाँ से संकल्प लेके जाओ और सम्मान से दियो। सहातम चौधरी आप लोगों के लिए वचन देता है, किसी ने आपको छेड़ दिया तो सहातम चौधरी नहीं छोड़ेगा, और अपने समाज के लिए अगर एक एक बूंद खतरे की जो खून की जरूरत पड़ेगी सहातम चौधरी दे देगा। संविधान के लिए, समाज के लिए मेरे साथी। मैं जगदीश जी से यही बहस कर रहा था कल परसों, मैंने कहा संघर्ष करिए आप लोग, मन लगा के करिए, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे पता है कितने लोग हैं जो संविधान विरोधी है। आप लोगों के नेतृत्व में जब 9 अगस्त को पार्लियामेंट पे संसद मार्ग पे बाबा साहब के संविधान की प्रतियां फूकी गई थी, तो आप सभी साथियों ने संघर्ष करके सभी थानों में FIR दर्ज करवाई थी। वो भी प्रोग्राम अनंत रावत थाने में हमारे नेतृत्व में आप लोगों ने प्रोग्राम करके वहां भी FIR दर्ज करवाया था। तो अब बाबा साहब के लोग जाग गए। बाबा साहब ने खुद कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि अगर मुसाफिर चुप रहा, अगर मुसाफिर चुप रहा तो धरती बोल उठेगी, मौन रहा इतिहास, यहाँ तो धरती बोल उठेगी। मेरे साथियों आज लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा, आज बाबा साहब की रूह जगदीश चंद्र जी के लिए झकझोर रही है। उठो विनोद जी, जगदीश चंद्र जी, राम मिलन भाई, संघर्ष करो। मैं देख रहा हूँ अम्बेडकर भवन से हमारे राम मिलन भाई बड़े क्रांतिकारी साथी, युवा साथी, बहुत लंबे समय से मानव काशी राम साहब से लेकर के अभी तक संघर्ष करते रहे। कैलाश जी हमारे तमाम साथी है, वहां से इन्होंने लेकर के यहाँ तक नारा लगाया, बड़ी मेहनत किया साथी है। मैं जानता हूँ कि हमारे लोग लड़ने मरने मारने में लेकिन कमजोर नहीं है, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उस पर विश्वास नहीं रखते, हम लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते। बाबा साहब ने जो हमें कलम की ताकत दी है, एक संविधान दिया है, उसकी हम रक्षा करना चाहते हैं मेरे साथी। इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। आज संविधान की छेड़छाड़ क्यों करते हैं, बाबा साहब की मूर्तियां क्यों तोड़ते हैं, क्यों नहीं दूसरे देवी देवताओं को तोड़ते हैं? बाबा साहब ने क्या गुनाह किया था? बाबा साहब ने सिर्फ यही गुनाह किया था कि इंसानों को इंसान बनाया, गरीब को भी अमीर को भी समता स्वतंत्रता बंधुता भाईचारा का संदेश दिया। ये चीज इनको नहीं पसंद है मेरे साथियों। साथियों मुझे मालूम है कि आप लोग 10 बजे इधर आए हैं, किसी ने चाय पिया होगा नहीं पिया होगा, किसी ने नाश्ता किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को नमन करता हूं मेरे दोस्तों मेरे साथियों कि आज आप लोगों ने ये एहसास करा दिया कि अब हम लोग संविधान के लिए, संविधान से छेड़छाड़ करने वालों के लिए चुप नहीं बैठेंगे मेरे साथियों। जिस तरह से हमारा जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है, हम भी ये जानना चाहते हैं जो नेता लोग हैं यहाँ से बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि देश की रक्षा कौन करता है? हमारा आदमी। जब हम देश की रक्षा कर सकते हैं तो हम संविधान की रक्षा भी कर सकते हैं मेरे साथियों। देश की रक्षा करने वाले संविधान की भी रक्षा करनी पड़ेगी, और जब संविधान की रक्षा होगी तो आपकी रक्षा होगी। जब संविधान ठीक रहेगा तो देश ठीक रहेगा। संविधान अगर इन लोगों ने छेड़छाड़ कर दिया तो देश का सुखाप छेड़छाड़ कर दिया। इसलिए मैं साथियों ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा साथियों कि आज आप लोगों को संकल्प लेना होगा, जहां भी कोई ऐसी बात होती है तो हम ईद से ईद बजाने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारे साथी है, डॉक्टर साहब चलने के लिए तैयार है 24 घंटे, ये आपकी गीता रानी एडवोकेट है, किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की जरूरत है तो आप लोग संपर्क करिए। कह रहे हैं मुझे विश्वास दिलाया, इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि चौधरी साहब हम 24 घंटे आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मेरे दोस्तों मेरे मित्रों,
आज संकल्प ले लो। समय की बहुत बड़ी कीमत है, पैसे खत्म हो जाता है, पैसे आ जाता है, लेकिन जो समय चला जाता है तो समय नहीं आता। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारी बातें आपको बताता, लेकिन यहां से ठीक नहीं। जो देश की हालात आप जानते हैं, आज देश की हालात बहुत खतरे में है। तो साथियों, देश बहुत खतरे में है। साहब का जन्मदिन है 15 मार्च को, हो सकता है 15 मार्च को प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम लगाया जाए, तो उसमें सारी बातें होगी, तब तक चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हो जाएगी जो भी है। तो साथियों, मैं आप लोगों को जंतर मंतर से, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है मेरे दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी है, और ये जंतर मंतर दिल्ली का दिल है। हमने कहा छाती पे चढ़ के बोलेंगे, दिल पे बोलेंगे, दिल पे बोलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। आज बड़े गर्व से लोग कहते हैं भारत माता की जय, कहते हैं भारत माता की जय, लेकिन मैं कहता हूं साथियों, ये नहीं कहते हैं कि देश में जात पात छुआछूत खत्म हो जाए। जब हम भारत माता के सभी सपूत है, उस माता को क्यों कलंकित करते हो? लेकिन सहातम चौधरी जंतर मंतर से कहता है कि कोई नहीं है दलित अछूत, सब है भारत माता।